हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम देखेंगे राउंड टू के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, पार्ट टू फॉर्म भरना है, पार्ट वन फॉर्म भरना है तो कैसे करना है। देखो, जैसे आप अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो mumbai.11thadmission, तो आपके पास में दो ऑप्शन दिख रहा हो, ध्यान से देखो। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखे लॉगिन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिए है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन पे जाना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किए है, रजिस्ट्रेशन नहीं किए, तो रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म एकदम इजी है, इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को देखना, आपको रजिस्ट्रेशन का पता चल जाएगा कैसे फॉर्म भरना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पार्ट वन फॉर्म भर दिए, पार्ट टू फॉर्म भर दिए, लेकिन सर मैंने सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करना है, ताकि मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो मुझे सेकेंड के लिए अप्लाई करना है, क्या करूँ? तो आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन आपका जो भी लॉगिन आईडी होगा वो करके लॉगिन करना है आपको, देन आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ऑटो वेरीफाइड, तो आप यहाँ पे देखो आपको तीन डॉट दिखे, जरा ध्यान से देखना, बस आपको इसी पे आ जाना है, ठीक है। देन जैसे आप यहाँ आओगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आके फॉर्म को अनलॉक करोगे, क्या करोगे, यहाँ देखो ऑप्शन दिख रहा है अनलॉक, क्या करना है आपको, अनलॉक। जैसे आप अपने फॉर्म को अनलॉक करते हो तो ये हो जाएगा अनलॉक आपका फॉर्म, ठीक है, कन्फर्म कर लीजिए। अब क्या करोगे आप लोग, अगेन अब लॉक मत करो, उसके पहले आप अपने कॉलेजेस अगर ऐड करना है कॉलेजेस ऐड करो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। तो मैं अगेन चूज़ स्ट्रीम एंड मीडियम में जाता हूँ, तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, सेव और नेक्स्ट करना है। स्ट्रीम एंड मीडियम सेव सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है चूज़ जूनियर कॉलेज, तो चूज़ जूनियर कॉलेज में क्या करेंगे, बहुत सारी कॉलेजेस आती हैं ना, तो आप क्या करोगे अपने पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से करोगे। जैसे स्टेटस क्या है, एडेड चाहिए मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे एडेड लिखो। देन ऑल रेन, तो यहाँ पे मीडियम। जोन पे ज़रा ध्यान देना है, आपका जोन कौन सा आता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉर्थ, और यहाँ डाल देता हूँ कौन सा एरिया आएगा, तो इसको ऑल रेन दो, ठीक है, आपके जोन के जितने भी कॉलेजेस होगी सब आ जाएगा, ठीक है। देन आपको करना है कॉलेजेस सर्च, क्या करेंगे, जैसे आप कॉलेजेस सर्च कॉलेज पे जाओगे, यहाँ पे इतने सारी कॉलेज दिख रही, देखो नेशनल सर्वोदय कॉलेज है, VPM कन्नड़ कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज है, SS मल्टीपर्पज, संदेश, यशवंतराव, ऐसे काफ़ी कॉलेजेस है, विकास हाई स्कूल, मुलुंड कॉलेज। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, SK सुमैया फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो SK सुमैया कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आ जाऊँगा, ऑप्शन आ गया, उसके बाद में यहाँ पे कर लोगे ऐड, क्या कर लोगे, ऐड, ऐड हो गए कॉलेज आपकी। लेकिन अब आपने जब पहले जब राउंड वन के लिए अप्लाई किया, तो मुझे लगता है कि ये कॉलेज मुझे हटाना है, ताकि फिर से ये कॉलेज ना आ जाए, मेरा नाम आ गया तो मुझे वो कॉलेज हटाना है, तो क्या करोगे, आपको कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट कर दें, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी कोई डिलीट नहीं करना है, तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे करो सेव और नेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेवन्थ नंबर इन दूँ, इस पर ध्यान दो, बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर आपको पहला नंबर का कॉलेज नहीं पसंद है तो उसको नंबर वन क्यों देते हो, फिर आने के बाद में आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रेफरेंस वाला मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, ज़रूर उसको देखो, ठीक है, आप ओके, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना, सेपरेट मैंने एक वीडियो बनाया था वो। अब आपको कर लेना है सेव और नेक्स्ट, क्या करना है, सेव और नेक्स्ट करना है। देन आपके अपने फॉर्म को क्या करना है, लॉक कर लोगे, क्या करोगे, लॉक। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपको अप्लाई करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पहली बार अगर हमारा चैनल पर ऐड, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।